हेलो दोस्तों, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि 10 फरवरी से स्कूल खोलने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये न्यूज़ है प्रदेश के हाई एम हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, जिनको रीओपन किया जाना है, खास करके प्रायोगिक एवं परियोजना कार्य के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट AK सोनवानी, और आप हैं मेरे चैनल DRSO का विद यू में। तो आज का जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आने के पर आप ज़रूर एक लाइक करिए और शिक्षक साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि वर्ष 2021 में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में जो सम्मिलित नियमित छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा प्रयोजना कार्य की व्यवस्था एवं अंक प्रेषण संबंधी आदेश दिया गया है दिनांक 30/1/2021 को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा। तो आप उस आदेश को अभी देख पा रहे हैं। तो कोरोना की वजह से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल का जो परीक्षा का मुख्य विषय में पाठ्यक्रम में 30-40% तक की कमी की गई है। तो वीडियो में आप बने रहें दोस्तों, इसमें अति महत्वपूर्ण जानकारी है प्रायोगिक और परियोजना कार्य से संबंधित। तो नियमित रूप से सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षाएं परियोजना कार्य दिनांक 10 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 यानी कि एक माह में संपन्न करवाना है। यह आदेश जो है सभी प्राचार्यों को भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें प्रायोगिक परीक्षाएं प्रयोजना कार्य हेतु इस वर्ष जो है बाह्य परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल टीचर जो आते थे वो नहीं आने वाले हैं। तो उस संबंधित स्कूल में संबंधित जो विषय शिक्षक हैं वो ही जो है ये काम जो है करने वाले हैं। संस्था इस पर स्तर पर ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त करके सुविधा अनुसार एक दिन में ही 3 बैच निर्धारित कर प्रत्येक बैच में उतने ही छात्रों को बुलाकर प्रायोगिक परीक्षा और परियोजना कार्य आयोजित कराया जाए, ऐसा साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया है। खास करके उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है हो सके, इसलिए ऐसा व्यवस्था करने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो सोशल डिस्टेंसिंग हेतु आवश्यकता अनुसार एक विषय के प्रायोगिक परीक्षा एक दिन से अधिक दिनों में भी आयोजित कर सकते हैं, इसलिए शायद 10 फरवरी से 10 मार्च का समय सुनिश्चित किया गया है दिया गया है ताकि किसी को छात्रों को ना ही शिक्षकों को इससे परेशानी हो। तो इसमें और खास खास बिंदु क्या है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, तो अध्यापन करा रहे संस्था में शिक्षकों को ही संबंधित विषय में आंतरिक विषय परीक्षक नियुक्त किया जाएगा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और प्रायोगिक परीक्षा प्रयोजना का कार्य आंतरिक मूल्यांकन शाला स्तर पर ही किया जाना है। और शिक्षकों का दायित्व है कि निर्धारित समय अवधि में नियुक्त आंतरिक परीक्षक से ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करा लिया जाए। तो प्रायोगिक परीक्षा हेतु 10 वर्षों की बची हुई उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक साथियों ध्यान देंगे, आपको पुरानी उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करना है, और अगर कमी हो जाए तो स्थानीय स्तर पर उसका व्यवस्था करना है। पांचवा जो पॉइंट है उसको आप ध्यान दीजिए, प्रायोगिक परीक्षा एवं परियोजना कार्य उपरांत निर्धारित अवधि में अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि 20/3/2021 यानी कि 20 मार्च 2021 तक मंडल के पोर्टल पर आवश्यक रूप से करना है, तथा 2 प्रतियां निकालकर संबंधित विषयों के आंतरिक परीक्षकों से मिलान कराकर हस्ताक्षरित करा के तत्पश्चात पोर्टल में जो है लॉक करना है। यह ध्यान रखें कि पोर्टल लॉक करने से पूर्व सभी प्रविष्टियों को अच्छी तरह से जांच लेवें, क्योंकि पोर्टल लॉक करने के पश्चात संशोधन संभव नहीं हो पाएगा। तो पोर्टल लॉक करने के पूर्व आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पोर्टल लॉक करने के उपरांत परीक्षावार विषयवार प्रायोगिक परियोजना के प्राप्तांकों की सूची आंतरिक परीक्षक संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर उपरांत लिफाफे में सील कर संस्था में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 माह तक सुरक्षित रखने कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होने के उपरांत हाई स्कूल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को सफ़ेद कपड़े में एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को पीले कपड़े की थैली में पैक कर बंडल बनाए
तथा मंडल कार्यालय के निर्देशानुसार उत्तर पुस्तिकाओं को सील करने के पश्चात बाएं कोने में परीक्षा का नाम, विषय का नाम, प्रायोगिक परीक्षा वर्ष 2021 अंकित कर संस्था में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 माह तक अपनी संस्था में सुरक्षित रखने कहा गया है। तो 8वां है प्रायोगिक परीक्षा प्रयोजना कार्य निर्धारित दिनांक तथा निर्धारित दिनांक तक अनिवार्यता संपन्न हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये रही हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रायोगिक प्रयोजना कार्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण कुछ जानकारी, कुछ बिंदु जो कि आपको जानना अति आवश्यक था, जिसको मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने शिक्षक साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि जो ये जानकारी उनके पास तक पहुँच सके, उनका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।